हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही प्यारी खट्टी मीठी प्यारी सी रेसिपी, जो कि सिर्फ चावल के आटे से बनके बिल्कुल 20 मिनट में तैयार हो जाने वाली है और आपको और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली। इसे आप डब्बे में भी पैक करके दे सकते हैं, काफी ज्यादा स्वाद है, बिल्कुल लेस ऑयल में बनने वाली रेसिपी है। तो आज इस रेसिपी का राज क्या है, तो बस कुछ इन सामानों से बन के तैयार हो जाएगी ये रेसिपी, और सिर्फ चावल के आटे। सोचा है सिर्फ चावल के आटे से इतनी प्यारी रेसिपी बन के तैयार होने वाली। तो हमने लिए चावल के आटे, सूखी नारियल, थोड़ी सी चीनी, करी पत्ता और पीली सरसों और हरी मिर्च और नींबू और लाल मिर्च, बस इन सब से बन के तैयार होने वाली रेसिपी। तो जब तक ये रेसिपी बन के तैयार होती है और हम पैन में पानी डालते हैं, तब तक आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जरूर लाइक कर दे। तो पैन में पानी डालने के बाद हमें क्या करना है कि पानी को गर्म होने तक इंतजार करना है। जैसे पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो उस टाइमिंग पे हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस पानी को हम आगे यूज करेंगे। आगे यूज कैसे करेंगे, तो हमें चाहिए एक बर्तन, उस बर्तन में डालेंगे जितने हमने चावल के आटे लिए। तो चावल के आटे हमने 1.5 कप के छोटे वाले जो कप होते हैं ना बाउल, उस बाउल से हमने 1.5 कप हमने चावल के आटे ले रखे। आप अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप आटे को ले सकते हैं। हमने 1.5 कप ही लिया है और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके गर्म जो पानी है ना, ये हम डालेंगे, क्योंकि चावल के आटे को अक्सर गर्म पानी से ही गूंदा जाता है, काफी स्मूथ हो जाते हैं। और इसे स्पैचुला की मदद से आप अच्छी तरीके से मिलाते हैं। अगर हाँ, हाथ बिल्कुल ना लगाएं, हाथ अगर आप लगाते हैं तो आपकी उंगली जलेगी, तो फिर आप ये ना कहें कि राहुल ने बताया नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आराम से होले होले करके बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आटा को गूंदते रहें। अगर आपके आटे में पानी थोड़े ज्यादा हो जाए तो 15 से 20 मिनट का आटे को दे रेस्ट, आपका आटा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते रहे और जैसे आटे आपके हल्के ठंडे हो रहे तुरंत आप गुनना शुरू कर दे। तो हमने पहले स्पैचुला से चला लिया हल्की सी पानी को ठंडा करने, यानी डो को ठंडा करने के लिए। जैसे डो ठंडा हो जाए फटाफट इसके अंदर हम अपने हाथ लगाएंगे और बढ़िया तरीके से इसको गुनना शुरू कर देंगे, क्योंकि जितना अच्छे से आप इसकी गुनाई करेंगे उतना स्मूथ बनने वाला आपका डो है और उतने प्यारे प्यारे बॉल बनेंगे, उतनी छोटे छोटे इडलियां बन के तैयार हो जाएगी। तो हमारा आटा बिल्कुल गुन के तैयार हो गया, बिल्कुल इस तरीके एकदम स्मूथ गुना हुआ है। और इसे हम देंगे कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देंगे, क्योंकि जितने भी इसके अंदर आपके जो पानी डाले हैं तो उसको अपने टाइम पर सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा। तो हमने 5 मिनट का ब्रेक दिया, उसके बाद थोड़ा सा हमने डो लिया और उसमें से छोटे छोटे डो लेकर हम करना शुरू कर देंगे। पर उससे पहले क्या करना होगा, फिर हाथों पर थोड़े से ऑयल लगा ले। क्यों? क्योंकि चावल के जो डो होते हैं उनके हाथों में चिपकते हैं, जब हाथों में चिपकेंगे ना तो बाकी के जो आप सर्कल बनाएंगे, जो गोली बनाएंगे, वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे। इसलिए थोड़े से ऑयल लगा ले और देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे मिनी मिनी इडली बनके बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से आपको सारे डो को बनाना है, बिल्कुल इसी तरीके से। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी रेसिपी है, जो है बस इस इडली को बनाने में आपकी 10 मिनट जाने वाली है बस। और फटाफट उबले हुए पानी में हम इन सबको डाल के अच्छे से बॉयल कर लेंगे, बढ़िया तरीके से कवर करके हम बॉयल कर लेंगे। जैसे आपका बॉयल होता है, अब बॉयल होने तक हम तब तक ग्रीन चिल्ली को कट कर लेते हैं और कड़ी पत्ता को काट लेते हैं। तो अच्छे से हरी मिर्च को बिल्कुल अच्छे डिजाइन में, आपको जैसी आपकी शेप पसंद है उस शेप में हरी मिर्च को काट ले। अगर आप काटना नहीं पसंद करती है तो खलबट्टे में हल्के से थोड़ा सा दरदरा उसको कूट ले, बिल्कुल बढ़िया टेस्ट आने वाला। कड़ी पत्ता को भी हमने लिया, कड़ी पत्ता कोशिश करें कि आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे बारीकी अगर काट देंगे ना तो आपकी जो इडली है ना उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे, जो हर तरफ जो खिले खिले जो फैले रहेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत ही खुशबू भी अच्छी आती है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो हमारी जो इडली है बिल्कुल बॉयल होकर तैयार हो गई है। इसे क्या करना, कुकिंग स्टॉप करने के लिए ना हमें इसमें ठंडा पानी तुरंत ऐड कर देना, बिल्कुल ठंडा पानी ऐड करना है, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर दे, उसके बाद जितनी भी इडली है उसको छान कर इसके अंदर से बाहर निकाल लेना है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि इस इडली को 2 पानी से धोना है, क्योंकि स्टार्च है इसके अंदर। अगर स्टार्च इसके अंदर रहेंगे तो अगर आप कढ़ाई में इसे हल्के से सौते करने वाले हैं तो आपकी इडलियां एक दूसरे में चिपकेंगी। इसलिए आप 2 से 3 पानी आप इसको अच्छी तरीके से धो ले। देखिए अब देखिए पानी कितनी फ्रेश हो गई है, देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से आपको सफाई कर लेना है इनको और वापस इसको प्लेट में अच्छी तरीके से रख लेना। और सारी के सारी इडली खिले खिले हैं अलग अलग, और इस पानी को आप फेंके ना, या तो इस पानी से आप रोटी बनाते वक्त गूंद लें आटा, या तो चावल में डाल दे, अगर ना तो आप इसको फिर भी
फूलों के जो गमले होते हैं ना उसमें डाल ले ठंडा होने के बाद। तो पैन में एक लेंगे सरसों का तेल और डालेंगे, डालने के बाद इसके अंदर क्या करेंगे, दो लाल मिर्च इसको इसके अंदर हम डाल देंगे हल्के से तड़का लगाने के लिए बढ़िया तरीके से। तो पहले क्या करेंगे कि तेल को पूरे पैन में फैला लेंगे अच्छी तरीके से, क्यों, क्योंकि हमें इसके अंदर इडलियां भी यूज डालने हैं ना, तो इडली हम डालेंगे तो वो कहीं गलती से चिपक ना जाए, इसलिए अच्छी तरीके से पूरे पैन में मिला ले, ग्रीस कर दे। ग्रीस करने के बाद इसके अंदर दो लाल मिर्च डाल ले और थोड़े से मस्टर्ड जो सीड थे हमने येल्लो वाले ये डाले, हमने येल्लो वाला इसलिए यूज किया कि काफी साइज में छोटे होते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने येल्लो वाला यूज किया। और नारियल का टुकड़े इसके अंदर डाल दे, कड़ी पत्ता भी डाल दे, सबको अच्छे से मिला दे। मिलाते वक्त इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च जो थी वो हम डाल देंगे, ऐड कर देंगे बढ़िया से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर जो कि हमें कंपल्सरी है, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कंपल्सरी, बिल्कुल तो नहीं कंपल्सरी है, क्योंकि इस रेसिपी का जान ही शुगर है, चीनी है, चीनी को डालना ही डालना। इस तरीके से आपको बढ़िया तरीके से मिलाना है और लास्ट में नींबू का जूस इसके अंदर निचोड़ के अच्छे से डाल देंगे, बढ़िया से मिलाएंगे। और इसके अंदर अब हम डालने वाले हैं अपनी मिनी इडली, मिनी इडली को अच्छे से डाल देंगे। डालने के बाद बढ़िया तरीके से सौटे कर देंगे, अच्छी तरीके से एक बार सौटे कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर से हम इसके अंदर सॉल्ट टेस्ट के अपने टेस्ट के अनुसार आप इसके ऊपर नमक अच्छे से छिड़काव कर दे और थोड़ा सा नींबू इसके अंदर और डाल दे, क्योंकि पहला नींबू जो डाले तो हल्के से टेक्सचर देगा, पर ये जो नींबू ये फ्रेशनेस देगा नींबू का। तो अच्छी तरीके से सॉटे कर दे, लाइट हो कर दे, बढ़िया तरीके से आपका रेसिपी जो है बन के बिल्कुल तैयार हो चुका, अच्छी तरीके से फटाफट से इसको सर्व कर दे, अच्छे से प्लेट ले और बढ़िया तरीके से गर्मा गर्म सर्व कर। और यकीन मानिए उसके बाद जब गर्मा गर्म आप एक बाइट लेंगे ना, एक चम्मच लेंगे, सिर्फ एक इडली अगर आप खाते हैं ना, तो एक जो खट्टी मीठी का जो टेस्ट आने वाली है ना, बिल्कुल आपको साउथ इंडियन का याद आ जाएगा, आप साउथ में ऐसा फील हो जाएगा, आपको लगेगा कि आप हाँ आप साउथ में बैठ के इडली खा रहे हैं। इस तरीके से आप इडली बनाए, बहुत ही बढ़िया लगने वाला, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आपके बच्चों को भी पसंद आएगा। तो फटाफट से ये रेसिपी को शेयर कर ले और सेव कर ले बनाए, और फटाफट से चैनल को लाइक कर ले, कमेंट करें, और हाँ हो सके तो आप इस रेसिपी को बनाने के बाद मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप कमेंट करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसे ही कुछ यूनिक यूनिक रेसिपी मैं आपके सामने लाते रहूँगा। तब तक के लिए मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।